नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश विद डीके में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे थे क्लास 12 फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर द रेड ट्रैप। और यदि आपने उसके पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको इनके लिंक मिल जाएंगे। तो पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि आयरन मास्टर जो है वो उस भिखारी को जो है अपने घर पे लेकर के जाता है, और वहाँ जब वो एकदम साफ सुथरा बनकर के उसके सामने जब प्रेजेंट होता है तो उनका जो भ्रम है, जो वो गलत व्यक्ति समझ रहे थे उनको, यानी उनको जो कैप्टन समझ रहे थे, वो भ्रम जो है वो दूर हो जाता है। और उसके बाद में आगे क्या होता है इस वीडियो में हम देखेंगे। वेल सेड द आयरन मास्टर, उस आयरन मास्टर ने कहा कि अच्छी बात है कि तुमने जो है तुम कह रहे हो कि मैंने तो कुछ छुपाया नहीं था। हेजिटेटिंग ए लिटिल, थोड़ा सा वो हिचकिचाते हुए ये बात कहता है। इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट, लेकिन ये भी तो ईमानदारी की बात नहीं है। आइदर यू मस्ट एडमिट दैट, या तो तुम इस बात को स्वीकार करो, यानी उसने कहा था कि मैंने तो आपको एक पुअर ट्रेडर के अलावा कुछ बताया ही नहीं था। तो उसने ये भी तो कहा था कि जब आपको कैप्टन बुलाया गया तो तब आपने ये भी तो नहीं कहा कि मैं आप कैप्टन नहीं हूँ और मैं नहीं जानता हूँ, तो ये भी तो एक गलत बात है। एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज, और मुझे आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। इफ़ द शरीफ वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन द मैटर, कि इस मामले में शरीफ जो है, पुलिस जो है, वो आपको आकर के कुछ इन्वेस्टिगेशन करे या आपसे पूछताछ करे, तो मुझे इसमें कोई सरप्राइज जो है वो नहीं होना चाहिए। द ट्रैम्प टुक ए स्टेप फॉरवर्ड एंड स्टक द टेबल विद हिज फिस्ट। जो ट्रैम्प जो था वो एक कदम आगे आया और उसने अपनी फिस्ट जो है, मुट्ठी को टेबल के ऊपर जो है वो मारा। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू मिस्टर आयरन मास्टर, तो उसने कहा कि अब मैं आपको जो है वो कुछ बताने जा रहा हूँ मिस्टर आयरन मास्टर, हाउ थिंग्स आर, कि चीज़ें कैसे होती है। ही सैड, उसने कहा, दिस होल वर्ल्ड इज़ नथिंग बट ए बिग रेट ट्रैप। ये बहुत बड़ी बात है, ये सच्चाई भी है, कि उसने बताया कि किस प्रकार से ये पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है, होल वर्ल्ड, संपूर्ण संसार जो है, ये कुछ नहीं है बल्कि एक बड़ा सा पिंजरा है। ऑल द गुड थिंग्स दैट आर ऑफर्ड टू यू, और जो सारी चीज़ें जो आपको ऑफर की जाती है, जो आपको दी जाती है, यू आर नथिंग, वो चीज़ें और कुछ नहीं है बट चीज़, वो चीज़ है, पनीर है, रिड्स एंड बिट्स ऑफ पोर्क, और वो पोर्क यानी मांस के कुछ टुकड़े हैं। सेट आउट टू ड्रैग ए पुअर फेलो, किसी बेचारे गरीब व्यक्ति को ड्रैग करने के लिए, घसीटने के लिए, उस पिंजरे में डालने के लिए, एक चारे के समान है। यानी इस लाइनों में वो ये कह रहा है कि ये पूरा का पूरा संसार जो है ये एक बड़ा पिंजरा है, और यहाँ लोगों को अलग अलग प्रकार का जो चारा है वो डाला जाता है। जिस प्रकार से चूहे पकड़ने के लिए चूहे दाने के अंदर बिस्किट या फिर रोटी का टुकड़ा या दूसरी जो चीज़ें डाली जाती है और उसके लालच में चूहा उसमें चला जाता है, उसी प्रकार से ये संसार भी एक चूहे दाने के समान है, और जहाँ पर पुअर फेलो जो है, हमारे जैसे गरीब लोगों को इस प्रकार के टुकड़े डाले जाते हैं और उनको पिंजरे में फंसा लिया जाता है। इंटू ट्रबल, और वो समस्या में फंस जाते हैं। एंड इफ द शरीफ कम, लेकिन यदि शरीफ आएगा, यदि पुलिस आएगी, नाउ अब एंड लुक लॉक्स मी अप, और यदि वो मुझे लॉक कर देगी, जेल में डाल देगी फॉर दिस, इस काम के लिए, देन यू, और फिर तुम मिस्टर आयरन मास्टर मस्ट रिमेम्बर, आवश्यक रूप से याद रखना, दैट ए डे मे कम, कि एक दिन आएगा, वैन यू शो योर सेल्फ मे वॉन्ट टू गेट ए बिग पीस ऑफ पोर्क, कि तुम भी चाहोगे एक बड़ा सा पोर्क यानी मांस का टुकड़ा, यानी कभी आपके सामने भी कोई ऐसा एक लालच आएगा, एंड देन यू विल गेट कॉट इन द ट्रैप, और तुम भी उस जाल के अंदर जो है वो फंस जाओगे। द आयरन मास्टर बिगेन टू लाफ, और उस आयरन मास्टर ने हंसना शुरू कर दिया। डैट वॉज नॉट सो बैडली सेड, कि ये तो आपने कोई ज़्यादा बुरी बात नहीं कही है, माई गुड फेलो, मेरे अच्छे साथी। परहैप्स शायद वी शुड लेट द शरीफ अलोन ऑन क्रिसमस ईव, कि हमें जो है उस शरीफ को, उस पुलिस वाले को जो है वो इस क्रिसमस के ऊपर जो है वो अकेला छोड़ देना चाहिए, यानी हमें उसे नहीं बुलाना चाहिए, ताकि वो अपना क्रिसमस ईव जो है उसको सेलिब्रेट कर सके। बट नाउ गेट आउट ऑफ हेयर, लेकिन तुम अब यहाँ से चले जाओ, एज फास्ट एज यू कैन, जितना जल्दी हो सके तुम यहाँ से चले जाओ। बट जस्ट एज द मैन वॉज ओपनिंग द डोर, लेकिन जैसे ही उस आदमी ने दरवाज़ा खोला, द डॉटर सैड, पुत्री ने कहा, आई थिंक, मैं सोचती हूँ, ही ओट टू स्टे विद अस टुडे, कि उसे हमारे साथ आज जो है वो रुकना चाहिए। आई डोंट वॉन्ट हिम टू गो, मैं नहीं चाहती कि वो जाए। एंड विथ दैट, और इसके साथ ही सी वेंट
वो चली गई एंड क्लोज द डोर, और उसने दरवाजे को बंद कर दिया। वाट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग, कि तुम जो है वो क्या कर रही हो, सेड द फादर, पिता ने कहा। द डॉटर स्टूड देयर क्वाइट एम्ब्रेस्ड, डॉटर वहाँ पर खड़ी रही थोड़ी सी शर्मिंदा होकर के, एंड हार्डली नो, और वो मुश्किल से ही जान पाई व्हाट टू आंसर, कि इसका क्या उत्तर दें। द मॉर्निंग सी हैड फेल्ट सो हैप्पी, कि उस सुबह उसने बहुत ही ज़्यादा जो है खुशी महसूस की। वैन सी थॉट, जब उसने सोचा था हाउ होम लाइक एंड क्रिसमसी सी वॉज गोइंग टू मेक थिंग्स फॉर द पुअर हैग्री रैच, कि वो इस रैच के लिए, इस जो घुमक्कड़ व्यक्ति जो है उसके लिए इस क्रिसमस के ऊपर घर के जैसा और क्रिसमसी खाना जो है वो बनाने जा रही है, तो उसे इस बात की खुशी हो रही थी। सी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया, वो जो विचार जो था जो उसके लिए हंसी खुशी वो खाना बना रही थी, कि आज हम क्रिसमस के ऊपर तीन व्यक्ति जो हैं वो सेलिब्रेट करेंगे, खाना बनाएंगे, जो कैप्टन की भावना उसके मन में जो थी, उसी आइडिया को जो जो था वो अभी भी उसके दिमाग में चल रहा था, उससे वो अलग नहीं हुआ था वो विचार जो है। एंड दैट वॉज वाई, और इसीलिए सी हैड इंटरसीडेड फॉर द वोगाबैंड, और इसीलिए वो जो है उसने इंटरसीडेड यानी मध्यस्थता करना या बीच बचाव करना, उस वोगाबैंड का वो बचाव जो है वो बचाव कर रही थी। आई एम थिंकिंग, मैं सोच रही हूँ ऑफ दिस स्ट्रेंजर हेयर, कि ये जो स्ट्रेंजर जो है वो यहाँ पर जो है उसके बारे में। सैड द यंग गर्ल, उस युवा लड़की ने कहा। ही वॉक्स एंड वॉक्स द होल ईयर लॉन्ग, कि वो जो है वो पूरे साल तक जो है वो चलता रहता है, क्योंकि वो चूहे दानियाँ जो है पैदल घूम घूम के बेचता है, तो वो पूरे साल चलता रहता है। एंड देयर इज प्रोबेबली नॉट ए सिंगल प्लेस, और संभवतः कोई भी ऐसी एक सिंगल जगह नहीं है इन द होल वर्ल्ड, संपूर्ण संसार के अंदर, संपूर्ण कंट्री के अंदर, वेयर इज वेलकम, जहाँ पर उसका स्वागत किया जाता है, एंड कैन फील एट होम, और वो अपने घर जैसा जो है वो महसूस कर सके, ऐसी कोई जगह जो है वो नहीं है। क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि जो घुमक्कड़ व्यक्ति जो होते हैं, जो भिखारी टाइप के व्यक्ति जो होते हैं, उनका कोई जो है वो स्वागत नहीं करता है, तो ये बात जो है वो लड़की कह रही है। वेयर एवर ही ट्रंस ही इज चेज्ड अवे, कि जहाँ कहीं भी वो मुड़ता है, जहाँ कहीं भी वो जाता है, तो उसको जो है वो चेज अवे यानी उसको भगा दिया जाता है। ऑलवेज ही इज अफ्रेड ऑफ बीइंग अरेस्ट, और हमेशा ही वो जो है वो डरा रहता है कि उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा, गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एंड क्रॉस एग्जामिन्ड, और उससे जो है वो जांच पड़ताल की जाएगी, पूछताछ की जाएगी। आई शुड लाइक टू हैव हिम इंजॉय ए डे, मैं चाहती हूँ कि उसे एक दिन के लिए जो है वो इंजॉय करवाया जाए, ऑफ पीस, शांति से, विद अस, हमारे साथ। हेयर जस्ट वन इन द होल ईयर, साल में केवल एक ही बार तो जो है उसको जो है वो यहाँ पर रह करके एक दिन के लिए उसे शांति से उसे इंजॉय करवाया जाए, ये मैं चाहती हूँ। द आयरन मास्टर मम्बलेड समथिंग इन हिज बियर्ड, और उसने जो है आयरन मास्टर ने कुछ बुदबुदाया। ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोज हर, और वो अपने आप से इसका विरोध जो है वो अपनी लड़की का विरोध जो है वो नहीं कर पाया। इट वॉज ऑल ए मिस्टेक ऑफ कोर्स, सी कंटिन्यूड, उसने आगे कहा कि ये एक मिस्टेक थी, ये गलती थी, वास्तव में ये गलती थी, बट एनी वे आई डोंट थिंक वी ओट टू चेज अवे ए ह्यूमन बीइंग, लेकिन मैं सोचती हूँ कि किसी भी ह्यूमन बीइंग को, किसी भी मानव को जो है वो इस प्रकार से भगाना जो है वो ठीक नहीं है। हुम वी हैव आस्कर, जिसको कि हमने कहा था टू कम हेयर, यहाँ आने के लिए, यानी ये कितनी गलत बात है कि पहले तो हम उसको जो है सह सम्मान वाप घर पे लेकर के आए थे, रिक्वेस्ट उससे उसके उस व्यक्ति को की गई थी, और अब जब उसकी सच्चाई सामने आई है तो हम उसको धक्के दे करके बाहर निकाल रहे हैं, तो ये तो बहुत ही गलत व्यवहार है, तो ऐसा व्यवहार जो है हमें नहीं करना चाहिए। एंड टू हुम वी हैव प्रोमिस्ड क्रिसमस चीर, और जिसके साथ में हमने क्रिसमस चेयर का जो है वो वादा भी किया था, और उस व्यक्ति को अब जो है हम यहाँ से निकाल रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। यू डू प्रीच वास देन ए पर्सन, तुम तो एक व्यक्ति से भी बुरे प्रवचन दे लेती हो, सैड द आयरन मास्टर, उस आयरन मास्टर ने कहा। आई ओनली होप यू वोंट हैव टू रिग्रेट दिस, कि मेरी केवल एक ही आशा है कि तुम्हें इसके लिए कोई पछतावा नहीं होगा, यानी तुमने उसको वोगा बैंड को यहाँ पर रोका है, इस बात के लिए तुम्हें पछतावा नहीं होगा, मैं तो यही आशा कर रहा हूँ। द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर बाई द हैंड एंड लेड हिम अप टू द टेबल,
उस युवा लड़के ने उसका उस व्यक्ति का जो है स्ट्रेंजर का हाथ पकड़ा और उसको जो है वो टेबल के पास में ले गई। नाउ सिट डाउन एंड ईट, और उसने उसको जो है वहाँ पर उसको कहा कि यहाँ पर बैठ जाइए और खाइए। सी सैड, उसने कहा, फोर सी कुड सी दैट हर फादर हैड गिवन इन, और उसने देखा कि उसके पिता जो है उसने हार मान ली है। द मैन विद द रेड ट्रैप्स सैड नोट ए वर्ड, और वो आदमी जिसके रेड ट्रैप के साथ जो था उसने एक वर्ड भी जो है वो नहीं बोला था। ही ओनली सेट डाउन, वो केवल बैठ गया। एंड हेल्प्ड हिमसेल्फ, और उसने अपने आप की मदद की। टू द फूड, उस भोजन को करने में। टाइम आफ्टर टाइम, टाइम आफ्टर टाइम ही लुक्ड एट द यंग गर्ल, और थोड़ी समय दर समय जो है वो उस युवा लड़की की तरफ जो है वो देख रहा था। हु हैड इंटरसीडेड फॉर हिम, जिसने उसका बीच बचाव किया था, जिसने उसका पक्ष लिया था, मध्यस्थता की थी उसने। वाई हैड सी डन इट, और वो बार बार यही बात सोच रहा था कि इस लड़की ने मेरी खातिर जो है वो ऐसा क्यों किया, क्या रीजन जो है उसका रहा होगा। वाट कुड द क्रेजी आइडिया बी, कि इसके पीछे क्या क्रेजी आइडिया हो सकता है, क्या पागलपन भरा हुआ आइडिया हो सकता है कि वो एक ऐसे भिखारी जो है, ऐसे घुमक्कड़ व्यक्ति को जो है इतनी शालीनता के साथ जो है उसको घर पे रोकने की विनती जो है वो कर रही थी। आफ्टर दैट, उसके बाद क्रिसमस एट रैमजो पास जस्ट एज इट ऑलवेज हैड, कि उन्होंने क्रिसमस ईव को जो है वो गुजर गई रामजो जो प्लेस का नाम है वहाँ पर। द स्ट्रेंजर डिड नॉट कोज एनी ट्रबल, और उस स्ट्रेंजर ने किसी भी प्रकार की कोई समस्या जो है वो नहीं की। बिकॉज, क्योंकि ही डिड नथिंग, उसने कुछ भी नहीं किया बट स्लीप, वो सोता रहा, इसलिए उसने कोई जो है वहाँ पर हंगामा वगैरह नहीं किया। द होल फोरनून ही लेज, कि दोपहर तक जो है वो लेटा रहा ऑन द सोफा, सोफे के ऊपर। इन वन ऑफ द गेस्ट रूम, कि एक जो गेस्ट रूम जो था उनका, उनके घर का, उसके अंदर वो दोपहर तक लेटा रहा। एंड स्लेप्ट एट वन स्ट्रेच, और एक ही स्ट्रेच के अंदर, एक ही करवट के अंदर जो है वो सोता रहा। एट नून, दोपहर को, दे वोक हिम अप, उन्होंने उनको जगाया। सो दैट, ताकि ही कुड हैव हिज शेयर ऑफ गुड क्रिसमस फेयर, ताकि वो जो है अपना शेयर जो है, अपनी हिस्सेदारी जो है वो क्रिसमस फेयर की, यानी क्रिसमस के मेले की जो हिस्सेदारी जो है वो कर सके, या भोजन जो है वो कर सके। बट आफ्टर दैट, उसके बाद में, ही स्लैप्ड अगेन, वो एक बार फिर से सो गया। इट सीम्ड, ऐसा प्रतीत होता था, एज दो फॉर मैनी ईयर्स ही हैड नॉट बीन एबल टू स्लीप एज क्वाइटली एज एंड सेफली एज हेयर एट रैमजो, कि उसको देख करके ऐसा लग रहा था कि ये वर्षों से जो है ये कभी इतनी शांति के साथ जो है वो सोया ही नहीं होगा, सेफली यानी सुरक्षित तरीके से, जैसे कि यहाँ रैमजो के अंदर जो है वो सो रहा है। क्योंकि उसने खाना खाया फिर सो गया, खाना खाया फिर सो गया, यानी वो सो ही रहा था। तो ऐसा लग रहा था कि उसने पहली बार जीवन में कहीं शांति जो है वो देखी है। इन द इवनिंग व्हेन द क्रिसमस ट्री वाज लाइटेड, जब शाम को क्रिसमस ट्री को जब प्रज्वलित किया गया, उसमें लाइटें लगाई गई, दे वोक हिम अप अगेन, उसको एक बार फिर से जगाया गया। एंड ही स्टूड फॉर ए वाइल इन द ड्रॉइंग रूम, और वो ड्रॉइंग रूम के अंदर जो है वो खड़ा रहा। ब्लिंकिंग एज दो, ब्लिंकिंग का मतलब होता है पलकें झपकना, एज दो यानी मानो कि द कैंडल लाइट हर्ट हिम, कि वो जो कैंडल की रोशनी जो थी वो उसको उसकी आंखों को हर्ट कर रही थी, इसलिए वो अपनी आंखों को झपका रहा था। बट आफ्टर दैट ही डिसअपियर्ड, लेकिन उसके बाद जो है वो फिर से गायब हो गया। अगेन यानी एक बार फिर से। 2 आवर्स लेटर, 2 घंटे बाद, ही वाज अरोज्ड, एक बार फिर से उसको जगाया गया। वंस मोर ही देन हैड टू गो डाउन इन टू द डाइनिंग रूम, और फिर वो जो है वो डाइनिंग रूम, नीचे जो डाइनिंग रूम जो था वहाँ पर गया। एंड ईट द क्रिसमस फिश एंड पोरीज, और फिर उसने क्रिसमस की जो मछली या जो दलिया जो था उसको खाया। एज सुन एज दे गोट अप, जैसे ही वे उठे फ्रॉम द टेबल, टेबल से, ही वेंट अराउंड टू ईच वन प्रेजेंट एंड सेड थैंक यू एंड गुड नाइट। तो सारे लोगों ने उस टेबल के ऊपर बैठ करके खाना खाया, और जब सारे लोग वहाँ से खड़े हुए और वेंट अराउंड यानी एक दूसरे के पास गए, उसने वो और वन प्रेजेंट, और एक प्रेजेंट जो है उपहार जो है वो दिया गया एक दूसरे को, और सैड थैंक यू, और उन्होंने थैंक यू कहा, गुड नाइट बोला उन्होंने। बट वैन ही केम, लेकिन जब वो आया
टू द यंग गर्ल, उस युवा लड़की के पास में, सी गेव, तो उस लड़की ने सी गेव हिम टू अंडरस्टैंड दैट, सी गेव हिम टू अंडरस्टैंड, तो उसने उसको दिया टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए, दैट इट वॉज हर फादर्स इंटेंशन, कि ये उसके पिताजी का इरादा है, दैट द शूट विच ही वोर वॉज टू बी ए क्रिसमस प्रेजेंट, कि उसके पिता का, उस लड़की ने, जब वो लड़की उस व्यक्ति के पास में गई, तो उसने उसको बताया कि मेरे पिताजी का ऐसा इरादा है कि जो सूट आपने जो पहन रखा था है वो आपका, ये क्रिसमस का प्रेजेंट है, आपको इसे वापस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ही डिड नॉट हैव टू रिटर्न, कि उसे अब वापस इसको रिटर्न नहीं करना है, एंड इफ़ ही वॉन्टेड टू स्पेंड नेक्स्ट क्रिसमस ईव, और यदि वो अगले क्रिसमस ईव को भी यहाँ पर हमारे साथ बिताना चाहता है, इन ए प्लेस, इस स्थान के ऊपर, वेयर ही कुड रेस्ट इन पीस, जहाँ वो शांति के साथ जो है वो रेस्ट कर सकता है, एंड बी श्योर, और निश्चित हो सकता है, दैट नो ईविल वुड बिफॉल हिम, कि उसके ऊपर कोई बुराई जो है वो नहीं आएगी, कोई संकट उसके ऊपर नहीं आएगा, इतना आश्वस्त होकर के जिस घर में, जिस स्थान के ऊपर वो सो सकता है, रह सकता है, उस जगह पर उसका एक बार फिर से स्वागत होगा, कि वो दोबारा जब अगले साल जब क्रिसमस आएगा, तो वो आप जो है वो उनके साथ नेक्स्ट क्रिसमस जो है वो मना सकता है, ही वुड बी वेलकम बैक अगेन, उसका एक बार फिर से जो है आपका स्वागत होगा, द मैन विद द रेड ट्रैप्स डिड नॉट आंसर एनीथिंग टू दिस, और उस आदमी ने, उस वोगा बैंड ने उसका कोई जो है उत्तर नहीं दिया, ही ओनली शेयर्ड एट द यंग गर्ल्स इन बाउंडलेस अम्यूजमेंट स्टेयर, तो उसने उस जो युवा लड़की जो थी उसको स्टेयर यानी घूरना, बाउंडलेस यानी असीमित मात्रा में जो आश्चर्य, जो अम्यूजमेंट यानी यानी असीमित मात्रा में आश्चर्य के साथ उस लड़की को वो घूरता रहा, द नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगली सुबह, द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर गोट अप इन ए गुड सीजन टू गो टू अर्ली क्रिसमस सर्विस, और वो जो है आयरन मास्टर और उसकी लड़की जो है वो दूसरे दिन जल्दी सुबह उठते हैं अच्छे मौसम के अंदर, और वे जो है क्रिसमस के अंदर प्रेयर करने के लिए चले जाते हैं, देयर गेस्ट वॉज स्टिल असलीप, और उनका गेस्ट जो था वो अभी भी सो रहा था, एंड दे डिड नॉट डिस्टर्ब हिम, और वे उसको जो है वो परेशान नहीं करना चाहते थे, वैन एट अबाउट 10 o'clock, और जब 10 बज गए, दे ड्रोव बैक फ्रॉम द चर्च, तो वो चर्च से वापस आ रहे थे, द यंग गर्ल सैट एंड हंग हर हेड इवन मोर, तो लड़की जो है उस गाड़ी के अंदर बैठी हुई थी और उसने अपना जो सिर जो है वो लटका रखा था, मोर डिजेक्टेडली देन यूजुअल, और वो थोड़ी सी सामान्य तौर पर जो है निराश निराश थी, क्यों निराश थी, एट चर्च, चर्च के ऊपर, सी हैड लर्न, उसने उसे सूचना मिली थी, उसने सीखा था, दैट वन ऑफ द ओल्ड क्रॉफ्टर, की जो एक बूढ़ा किसान जो है, ऑफ द आयरन वर्क्स, आयरन वर्क्स का, हैड बीन रोब्ड, उसको लूट लिया गया है बाई ए मैन, एक व्यक्ति के द्वारा, हु वेंट अराउंड सेलिंग रेड ट्रैप्स, जो चूहे दानियाँ बेचता है, यानी उस लड़की ने उस व्यक्ति को रोकने के लिए कितने अपने पिता की इच्छा के खिलाफ जाकर के जो है उसको रोका था, तो जब उसकी सच्चाई का पता चला, तो उसको उस लड़की को निश्चित रूप से ये दुख हुआ होगा कि जिस व्यक्ति की उसने तारीफ दारी की थी, जिस व्यक्ति को उसने इतनी मान सम्मान दिया था, और वो व्यक्ति तो चोर था जिसने चोरी की है, तो अब वो बात जान करके जो है वो थोड़ा सा दुखी है, और वो गाड़ी में जब घर आ रही है, तो उसे निश्चित रूप से कुछ चिंताएं जो है वो सता रही होंगी, तो वो इसीलिए वो डिजेक्टेडली जो है वो बैठी हुई है, यस दैट वॉज ए फाइन फेलो यू लेट इन टू द हाउस, कि यही वो अच्छा फेलो फेलो था, अच्छा दोस्त था जिसको कि तुमने घर आने दिया, सैड द फादर, सैड हर फादर, उसके पिता ने कहा कि यही वो व्यक्ति है जिसको तुमने घर के अंदर आने दिया, वो तो एक चोर है, आई ओनली वंडर हाउ मैनी सिल्वर स्पून्स आर लेफ्ट इन द कबर्ड बाई दिस टाइम, मुझे तो केवल इस बात का आश्चर्य है कि हमारा जो कबर्ड जो है, हमारी जो अलमीरा जो है, उसके अंदर चांदी के कितने स्पून्स जो है वो बाकी बचे हैं, यानी उसे अंदेशा हो रहा था कि वो चोर है और चोरी करके जो उसके घर से कुछ सामान जो है वो ले गया होगा, तो वो ये बात जो है वो कह रहा है, द वैगोन हैड हार्डली स्टॉप्ड एट द फ्रंट स्टेप व्हेन द आयरन मास्टर आस्क्ड द वैलेट वेदर द स्ट्रेंजर वॉज स्टिल हेयर, जैसे वैगन यानी गाड़ी होती है, तो गाड़ी के मुश्किल से ही जो है वो आगे के
जो स्टेप्स जो थे, कदम जो थे या पहिए जो थे, वो मुश्किल से ही रुके थे। द आयरन मास्टर आस्कड, उस आयरन मास्टर ने पूछा, द वैलेट, उस नौकर से, वेदर द स्ट्रेंजर वाज स्टिल हेयर, कि क्या वो जो स्ट्रेंजर जो है वो अभी भी यहाँ पर है। ही एडेड दैट, और उसने आगे कहा, ही हैड हर्ड एट चर्च, कि उसने चर्च के अंदर सुना है, दैट द मैन वाज ए थीफ, कि वो आदमी जो हमारे घर पे रुका हुआ था वो एक चोर है। द वैलेट आंसर्ड, उस नौकर ने उत्तर दिया, दैट द फेलो, कि वो जो साथी जो था, हैड गोन, वो जा चुका है, एंड दैट ही हैड नॉट टेकन एनीथिंग विथ हिम एट ऑल, और वो यहाँ से कोई भी चीज़ यहाँ से लेकर के नहीं गया है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, और इसके विपरीत, ही हैड लेफ्ट बिहाइंड ए लिटिल पैकेज विच मिस विलमेंशन वॉज टू बी काइंड इनफ टू एक्सेप्ट क्रिसमस प्रेजेंट, जबकि इसके विपरीत वो जो है एक पैकेज को छोड़ करके गया है, जो मिस विल 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 मेंशन जो है उसके लिए छोड़ करके गया है। वाज टू बी काइंड इनफ, पर्याप्त मात्रा में ये एक दयालुता भरा कदम होगा, टू एक्सेप्ट, इसको स्वीकार करना, क्रिसमस प्रेजेंट, यानी उसको क्रिसमस प्रेजेंट के रूप में स्वीकार करना। ये जो है वो कहने का मतलब ये है कि वो व्यक्ति जो था वो मिस विल मैंसन के लिए एक प्रेजेंट जो है, वो एक गिफ्ट जो है वो छोड़ करके गया था क्रिसमस प्रेजेंट के रूप में। और इस गिफ्ट के अंदर क्या है, द यंग गर्ल ओपन द पैकेज, और उस युवा लड़के ने उस पैकेज को खोला, विच वॉज सो बैडली डन अप, जिसको कि बहुत बुरी तरीके से जो है पैकअप किया गया था। द कॉन्टेंट, और जो सामान जो था, कम इन टू व्यू एट वंस, उसको एक बार में भी जो है वो दिखाई दे सकता था, यानी उसको ऐसी पैकिंग की गई थी कि उसको थोड़ा सा हटाते ही जो है उसके अंदर क्या सामान है उसको देखा जा सकता था। सी गैव ए लिटिल क्राई ऑफ जॉय, उसने जो है वो जैसे ही उस अपनी गिफ्ट को देखा वो खुशी से चिल्लाई। सी फाउंड ए स्मॉल रेड ट्रैप, और उसने उसके अंदर, उस पैक के अंदर जो है एक छोटा सा चूहे दाने को उसने उसमें पाया। एंड इन इट, और उसके अंदर, ले थ्री रिंकल 10 करनोर नोट्स, और उसके अंदर जो 10-10 रुपए के 3 नोट जो उसने उस ओल्ड क्रॉफ्टर के घर से चुराए थे, जो झूरी पड़े हुए यानी जिनके ऊपर सलवटें पड़ी हुई थी, वो 30 करनोर जो है वो भी उसके अंदर थे। बट दैट वॉज नॉट ऑल, लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं था। इन द रेड ट्रैप ले ऑल्सो ए लेटर रिटन इन लार्ज जगेड करेक्टर्स, और इसके अंदर जो है उस रेड ट्रैप ने, उस भिखारी ने एक लेटर भी लिखा हुआ था, लार्ज यानी बड़े बड़े, जगेड, जग का मतलब जो जर्की वे के अंदर लिखे हुए करेक्टर्स थे, यानी जिस व्यक्ति को अभ्यास नहीं हो लिखने का, और वो जो उनके हाथ हिलते हुए जो राइटिंग लिखी जाती है उसको बोलते हैं जगेड, जगेड करेक्टर, यानी जो हिलते हुए हाथों से जो उसके अंदर, उस लेटर के अंदर कुछ लिखा हुआ था, उसके अंदर क्या लिखा हुआ था, ऑनरेड एंड नोबल मिस, की सम्मानित और अच्छी मिस, सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग, कि जब से तुम मेरे साथ इतना नाइस और अच्छे तरीके से मेरे साथ जो आपने पूरे दिन जो व्यवहार किया, एज इफ, मानो कि आई वॉज ए कैप्टन, कि मैं एक कैप्टन हूँ, आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू, मैं भी आपके प्रति जो है वो अच्छा बनना चाहता हूँ, इन रिटर्न बदले में, एज इफ, मानो कि आई वॉज ए रियल कैप्टन, कि मानो कि मैं वास्तव में एक रियल कैप्टन हूँ। फोर आई डू नॉट वॉन्ट यू टू बी एम्ब्रेस्ड एट दिस क्रिसमस सीजन बाई ए थीफ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको जो है चोर को घर रखने के कारण जो है एम्ब्रेसमेंट होना पड़े, शर्मिंदा होना पड़े, तो मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। बट यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन, लेकिन तुम जो है ये पैसे जो है ये उस बूढ़े किसान को जो है वो दे देना, मैन ऑन द रोड साइड, जिसका घर जो है वो रोड साइड के नज़दीक में है, जो मैंने ये 30 करनोर जो चुराए थे ये उस व्यक्ति को दे देना, ये उसके अंदर लिखा हुआ था। हु हैज़ द मनी पाउच हैंगिंग ऑन द विंडो फ्रेम एज ए बेट फॉर पुअर वंडरर्स, जिसने जो है अपनी उस मनी को, उस मनी पाउच को जो है लटका रखा था विंडो फ्रेम के ऊपर, एज ए बेट, एक चारे के रूप में, फॉर द पुअर वंडरर्स, कि जो गरीब घुमक्कड़ व्यक्ति जो होते हैं उनके, उनको फंसाने के लिए जो जो उसने टांग रखे थे ये पैसे, उनको वापस लौटा देना। द रेड ट्रैप इज क्रिसमस प्रेजेंट, और ये जो पिंजरा जो है, चूहे दानी जो है, ये आपके लिए क्रिसमस की प्रेजेंट है।
फ्रॉम ए रैट, एक चूहे की तरफ से, हु वुड हैव बीन कॉट इन दिस वर्ल्ड रैट ट्रैप, कि एक उस चूहे की तरफ से आपको एक ये चूहेदानी गिफ्ट दी जा रही है, जो खुद ही जो है वो क्या हो गया है कि इस वर्ल्ड के, इस संसार का जो पिंजरा जो है उसके अंदर फंस गया है। इफ़ ही हैड नॉट बीन रेज्ड टू कैप्टन, और यदि वो एक कैप्टन के रूप में खड़ा नहीं हुआ, यदि उसका कैप्टन के रूप में उदय नहीं हुआ, बिकॉज क्योंकि इन दैट वे, इस तरीके से ही गॉट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ, तो वो बिकॉज इन दिस वे, इन वाट, इन दैट वे, कि इस तरीके से ही गॉट पावर, कि वो उसके अंदर पावर आ जाएगी टू क्लियर हिमसेल्फ, अपने आप को ठीक करने की। कहने का मतलब ये है कि उसने उसको लिखा कि आपको मेरी वजह से शर्मिंदा ना होना पड़े, और अब मेरे जो है ये बात समझ में आ गई है कि यदि मैं कैप्टन के रूप में, यदि आपका कैप्टन बन गया, तो मेरे अंदर जो बुराइयां हैं, जो चोरी करने की आदत है, वो मैं छोड़ सकता हूँ, तो इस ये जो पावर मेरे अंदर आ जाएगी। रिटर्न विद फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्डेड कैप्टन वॉन स्टेल, और उसने अपना जो है नीचे अपना नाम लिखा है, और वो नाम भी अपना उसने जो है वो कैप्टन वॉन स्टेल लिखा है, क्योंकि उसे उसकी जो मान सम्मान, उसको जो खातिरदारी जो है वो इसी कैप्टन को समझ करके उसको किया गया था, तो उसने अपना नाम भी जो है उसके आगे लिख दिया। तो इसके साथ ही ये लेसन जो है यहीं पर समाप्त होता है, और इसके अंदर लेखिका ने जो मैसेज दिया है कि किसी भी व्यक्ति के व्यवहार को किस प्रकार से चेंज किया जा सकता है, कि यदि हम किसी व्यक्ति के व्यवहार को अच्छाई के साथ, यानी उसको गुड ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट करेंगे, तो हम उसको बदल सकते हैं। तो यही इस लेसन का बहुत ही अच्छा मीनिंग है। तो ये लेसन यहीं समाप्त करते हैं, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।